सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत है सक्सेस की 98 में, और जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा। और एक बात, जो भी IBPS PO मेंस का एग्जाम देने जा रहे ये सारे क्वेश्चन देखकर ही जाइएगा। ये पार्ट टू है, पार्ट वन के वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन वही है जो लास्ट 4 और 5 ईयर में आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसका PDF आप successki98.in से डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी स्टैटिक GK हैं वो आप successki98.in पर जाने के बाद स्टैटिक GK वाले सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप टेलीग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। पावर प्लांट कहां पर है? तो यूपी में। फुल फॉर्म ऑफ UNCTAD क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, सत्रिया इज द डेंस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? आसाम। रिहान डैम कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में। मोगाडिशु इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? सोमालिया। लीट टैटिना जो टमाटर वाला फेस्टिवल है वो कहां मनाया जाता है? तो स्पेन में। हिल स्टेशन अराकू कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश में। फुल फॉर्म ऑफ CST क्या है? सेंट्रल सेल्स टैक्स। फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड जो बैंक का उसका स्टैब्लिश हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वो है आपका मुंबई में। और एक बात याद रखिएगा, जो इसके चेयरमैन है वो है हर्ष कुमार बनवाला। फुल फॉर्म ऑफ UGC क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फुल फॉर्म SLR बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका करंट रेट क्या चल रहा है? तो 19.5%, ये जरूर आप याद रखिएगा, कभी कभी रेट भी पूछ देता है आपके एग्जाम में। पर्पस क्या था जनधन योजना का? तो मिनिमम 1 अकाउंट फॉर एवरी फैमिली। इशू कौन करता है? रुपए कार्ड, तो NPCI। स्ट्राइक वर्ड किस गेम से जुड़ा हुआ है? तो बेसबॉल। हार्डवेयर पार्क कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश में। बैंक कैपिटलाइजेशन रिलेटेड टू बैसल 3 नॉर्म्स। स्वच्छ भारत अभियान कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 2019 तक। अगला क्वेश्चन, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी सर के द्वारा। प्रायर टू विच ईयर करेंसी नोट शुड बी एक्सचेंज? 2005। पंकज अडवाणी किस गेम से हैं? तो बिलियर्ड, इंडियन के हैं और चैंपियन प्लेयर है। चाणक्य को कौटालिया नेम से भी हम लोग जाने जाते हैं। CDR का फुल फॉर्म क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। इंदिरा आवास योजना का नया नाम क्या कर दिया गया है? नेशनल ग्रामीण आवास योजना। एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट इज विच काइंड ऑफ कंपनी? ई कॉमर्स है। और आपको एक बात बता दूं, फ्लिपकार्ट जो कंपनी है इसको वॉलमार्ट ने खरीद लिया है, जो US की कंपनी है। आई थिंक 71.77 कुछ शेयर खरीदे हैं, आप एक बार चेक कर लेना, लेकिन ये कंफर्म है कि फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने ही खरीदा है, जो US की कंपनी है, और उसका कंपटीटर जो है वो Amazon है। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑडिट फॉर इबोला और GK वायरस? WHO। और WHO का हेडक्वार्टर क्या है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। लार्जेस्ट बैंक कौन सा है? इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। अपूर्वी चंडेला शूटिंग से है। अनरिबन लहरी बिलोंगिंग टू विच स्पोर्ट्स? गोल्फ। रोरी मैकलोरी बिलोंगिंग टू स्पोर्ट्स गोल्फ। NHB का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाउसिंग बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूकी बम्बारी किस गेम से? टेनिस से। कारगिल वार कब हुआ था? July 1999 में। इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर। आर्टिकल 370 किस राष्ट्र से जुड़ा हुआ है? तो सबको पता है जम्मू एंड कश्मीर। जनधन योजना का बेनिफिट्स क्या है? ओवरड्राफ्ट लोन इन बैंक अकाउंट्स। L क्या दर्शाता है SLR में? लिक्विडिटी, जो ऊपर में मैंने आपको दिखा दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग इज डन टू, किस लिए मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है? वो टैक्स से बचने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं कुछ, जो क्राइम करते हैं वगैरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डे को KYC कस्टम फिल आइडेंटिटी प्रूफ? 5 वर्किंग डे में। NIM का फुल फॉर्म क्या है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन। MTSS मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम फुल फॉर्म है? किसान विकास पत्रा को बंद कर दिया गया, क्यों? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा हो रहा था इस स्कीम के अंदर, इसीलिए किसान विकास पत्रा को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया इस स्कीम को। SBI लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर की है किसके साथ? BNP परिवास कार्डिफ। करेंसी ऑफ कंबोडिया रियाल। व्हाट इज द ए इन ATM? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फुल फॉर्म है ATM का। हु इन्वेंटेड डायनामाइट?
डायनामाइट को किसने इनोवेट किया था? तो अल्फ्रेड नोबल, कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, ब्यूनोस एरिस। सी क्या दर्शाता है सीपी में? कमर्शियल पेपर। और कमर्शियल पेपर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को वो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो की भी आप लोग देख लीजिएगा अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं तो। बैंक यूज टू व्हाट मेथड टू रीड कोड ऑन चेक? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, आपको पता होना चाहिए। पर्पस ऑफ स्टार्टिंग माइनर अकाउंट फॉर 10 ईयर चिल्ड्रेन, फाइनेंशियल इंक्लूजन से बचने के लिए। कुंडाकुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है और ये किसके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है? तो इंडिया और रसिया। सीबीबी का फुल फॉर्म क्या है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। योगा सीएमएन वाया महान इज द स्लोगन ऑफ LIC। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका स्विट्जरलैंड में। HDFC बैंक का टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और सारा बैंक का टैगलाइन आपको मिल जाएगा स्टैटिक जीके वाले सेक्शन में successkey98.in वेबसाइट पर। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट स्टार अकाउंट ओपेंड बाय किसके द्वारा ये स्मार्ट स्टार अकाउंट ओपन किया गया? तो ICICI बैंक के द्वारा। इन भरिस्ता पेंशन बीमा स्कीम विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय LIC के द्वारा, इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा इस पेंशन बीमा स्कीम को। तस्कंत इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। सती प्रथा को एबोलिस्ट किया गया था किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय, ये सभी को पता होगा आई थिंक। फुल फॉर्म ऑफ PKI, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। विच कंट्री इज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन बट नॉट डू नॉट यूज यूरो करेंसी? यूरोपियन यूनियन का पार्ट तो है लेकिन यूरो करेंसी जो है यूज नहीं करती है। डेनमार्क, वेटिकन सिटी बोल सकते हैं। ककरापार एटोमिक पावर प्लांट कहां पर है? गुजरात में। DNA का फुल फॉर्म डिऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। कमेटी ऑन बैंकिंग एमर्सन, सुमन वर्मा कमेटी बनाया गया था कमेटी ऑन बैंकिंग एमर्सन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट एस स्टैंड इन CDSL सिक्योरिटीज? IFSC कोड कंटेन हाउ मेनी डिजिट? 11 डिजिट कंटेन करता है IFSC कोड। कोई सा भी बैंक अकाउंट का IFSC कोड चेक कर लीजिएगा, चेक पर 11 डिजिट के ही होते हैं। EBW का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट बिल परमिटेड टू बी रिटर्न ऑफ। WHO के अनुसार हाईएस्ट रेट ऑफ चाइल्ड मैरिज किस देश का है? तो बांग्लादेश। और नंबर दो स्थान है अपना इंडिया का। अगारिया ट्राइब बिलोंग टू विच स्टेट? मध्य प्रदेश। कैपिटल ऑफ तंजानिया डोडमा। DIGC इंश्योरेंस कवर इज हेडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। MTSS यूज पर्सनल रिमिटेंस। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 लोवेस्ट डेंसिटी स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। विच कंट्री डज नॉट बिलोंग इन यूरोपियन यूनियन बट यूज यूरो एज अ करेंसी? वेटिकन सिटी। देखो वहां पर ऊपर में क्या था, ऊपर में था कि कौन सा कंट्री यूरोपियन यूनियन का पार्ट है लेकिन यूरो यूज नहीं करता है, तो उसका आंसर डेनमार्क था। लेकिन यहां पर क्या है, कौन सी कंट्री यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है लेकिन वो यूरो यूज करती है? तो वेटिकन सिटी है। आप ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, मैंने ऊपर वेटिकन सिटी बोला तो इस बार इसको आप लोग एक बार नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम मनी दैट कैन रिमिटेड टू नेपाल फ्रॉम एनी ऑफ द NEFT अनेबल ब्रांचेस? कोई भी इंडिया के बैंक के ब्रांचेस से NEFT अगर हम भेजते हैं पैसा नेपाल में तो कितना भेज सकते हैं? 50,000 रुपए तक एक बार में। इन NSDL वर्ड एस स्टैंड फॉर क्या? सिक्योरिटीज। SBI का टैगलाइन क्या है? पर प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। चेक अमाउंट रिटर्न इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ नोट डन बाय कस्टमर। अगर रातों रात बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई RBI से तो RBI किस रेट पर पैसा देगा और उस रेट को क्या बोलते हैं? MSF बोलते हैं, याद रखिएगा। CPI का फुल फॉर्म क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जय हिंद स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कैपिटल ऑफ टर्की अंकारा। हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट सम मस्ट पार्टिशियली और फुल इन वाटर? आर्किमेडिस पार्टिशियली। ASBA का फुल फॉर्म क्या? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अकाउंट। ककरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट मैं बता चुका हूं महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र नहीं होगा, यहां पर होगा गुजरात, यहां पर आप ठीक कर लीजिएगा, गुजरात होगा ये वाला। फुल फॉर्म ऑफ NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट। व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना? युआन। इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाई विच कंपनी इन्वाइट द पब्लिक टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द कंपनी एंड इन्वेस्टर कैन बिकम अ पार्टनर ऑफ द कंपनी? इक्विटी शेयर, नाम सुने हैं ना, शेयर मार्केट, ठीक है। अगला, रिसेंटली RBI एक्सटेंडेड द टाइमलाइन। RBI ने एक्सटेंड कर दिया है टाइमलाइन फॉर इंप्लीमेंट
और बेसल 3 नॉर्म्स 2 इंस्टेंट और पहले 31 मार्च 2018 तक था, उसका डेट बढ़ाकर कर दिया गया 31 मार्च 2019। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड सिटीजन डे कब मनाते हैं? 19 नवंबर को। द बैंक शुड हैव नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट कंसेक्यूटिव ईयर टू बी परमिटेड टू सेट अप द जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर अंडरटेकिंग द इंश्योरेंस बिजनेस विथ रिस्क पार्टिसिपेटरी सब्जेक्ट टू सेफ गार्ड 5 ईयर इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ फिजिकल चेक इशूड बाई अ ड्रॉयर एट सम पॉइंट विद द प्रेजेंटिंग बैंक इन रूट टू द ड्रॉई बैंक ब्रांच इन इट्स प्लेट एंड इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक इज ट्रांसमिटेड टू द ड्रॉई ब्रांच बाई द क्लियरिंग हाउस चेक। और पूरा ये सब ना मैंने आपको पार्ट वन में बैंकिंग वाले सेक्शन में ए टू जेड पानी की तरह क्लियर किया, तो प्लीज आप लोग अगर सीरियस हो तो चीज देख लीजिएगा। सेक्शन 35(6) ऑफ द इंपावर्ड नाबार्ड टू कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑफ द स्टेट कॉरपोरेशन बैंक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक CCBS एंड रीजनल रूरल बैंक कहां पर है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 35(6) याद रखिएगा 35(6) रिसेंटली जो इंडिया और सिंगापुर के बीच में, और आपको पता है ना सिम्बेक्स जो है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में ही होता है जो मिलिट्री एक्सरसाइज नेवल का नेवी का, और 2018 में भी हुआ है याद रखिएगा, और ये अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल में 2018 में याद रखिएगा। पूछ सकता है सिम्बे 2018 जो है किसके देश में, इंडिया और, तो सिंगापुर आपका आंसर होना चाहिए, या बोल सकता है नेवी एक्सरसाइज जो हुआ है इंडिया और सिंगापुर के बीच में उसका नाम क्या है, तो सिम्बेक्स 2018 जो 2018 में हुआ या 2014 के दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल रिसेंटली जस्टिस बीसी चौहान, इसको आप लोग एक बार रीचेक कर लीजिएगा। Which country will host G8 summit in 2015 का है, 2018 वाला आप चेक कर लीजिएगा। Which bank has started cardless cash withdrawal from its ATM? ICICI bank. National Housing Bank is a subsidiary of RBI. Is not related with the Negotiable Instrument Act 1881 Hundi. अगला क्वेश्चन, What is the full form of GDR? Global Depository Receipts of IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority. और एक बात, IRDA का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हैदराबाद, ठीक है। और IRDA का जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? तो सुभाष चंद्र खुंतिया। अगला क्वेश्चन, What is the capital of South Korea? Seoul. What was the old name of Axis Bank? का पुराना नाम क्या था? UTI Bank. Hundi is equivalent of check issued by indigenous banker. What does M क्या दर्शाता है? OMO में मार्केट बैंकिंग डिक्लेयर एन एसेट्स एज नॉन परफॉर्मिंग वेयर द इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इज इन एरियर फ्रॉम फॉर मोर देन 90 डेज। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली कॉल्ड एज लोकनायक, किसको बोलते हैं? तो जयप्रकाश नारायण, जो बिहार के रहने वाले हैं। What was the code name given the first nuclear explosion conducted by India in 1974? Smiling Buddha नाम दिया गया था। कौन सा स्टेट का जो डांस है वो कथकली है? तो केरला। और एक बात याद रखिएगा, बहुत बच्चों के बीच में ये डाउट रहता है कथकली, देखो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है लेकिन जो कथकली है वो कहां का है? केरला का। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ करेंसी ऑफ अल्जीरिया? दिनार। व्हाट इज यूनिवर्सल बैंकिंग की क्या है? प्रोविजन ऑफ कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट सर्विस। मैकमोहन जो लाइन है वो किस दो कंट्री को जोड़ती है? तो इंडिया और चाइना। कमेटी बनाया गया था नेशनल पेंशन स्कीम के लिए, उस कमेटी का नाम क्या है? जीएन वाजपेयी। व्हेन बैंक इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय डिपॉजिट कॉलेटरल इट इज कॉल्ड एसेट्स इन जनधन स्कीम। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड द एक्सीडेंट कवर अंडर द स्कीम? HDFC इर्गो। RBI ने अनाउंस किया स्टार सीरीज नोट्स रिसेंटली, ये किसको रिप्लेस कर? व्हाट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिवली प्रिंटेड नोट्स? क्या है वो स्टार सीरीज रिसेंटली रिप्ले, जितने भी डिफेक्ट जितने पुराने नोट्स थे, फटे नोट्स थे, उसको प्रिंटेड नोट्स थे, उनको जो रिप्लेस किया गया उसका नाम क्या दिया गया? स्टार सीरीज। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो इशू किया जाता है वो किसके द्वारा? तो वो इशू किया जाता है UNCTAD के द्वारा। और UNCTAD का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आपको पता होना चाहिए, जिनेवा स्विट्जरलैंड। सिबिल क्या है? सिबिल एक क्रेडिट एजेंसी है जो रैंकिंग करती है। इसका फुल फॉर्म क्या? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैंक अकाउंट ओपन फॉर
चिल्ड्रेन अबव 10 ईयर ऑफ एज बाई ICICI बैंक स्मार्ट किड अकाउंट, इसके पहले वाले कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर चुका हूं. व्हाट इज द स्लोगन ऑफ जनधन योजना का स्लोगन क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता. When is World Rabies Day? 28 September को मनाते हैं. September का spelling गलती है, यहाँ पर P missing है. Notes कर लीजिएगा. ठीक है. Interest on saving account is calculated on basis, on which basis? Daily basis पर calculate होता है क्या saving account? ठीक है. In which of the following places there is no nuclear plant? Kenya में कोई भी nuclear plant नहीं है. Mutual fund regulate कौन करता है? SEBI, Securities and Exchange Board of India, SEBI. What is ping in computer network utility? Packet internet groper. Processor speed measure, जो processor की speed है वो measure करते हैं instruction per second. Using two different brand name for a purpose of single product is called co-branding. What does B stand for in ECB? Borrowing, commercial borrowing. What is the oldest currency in the world? Pound sterling. Inflation is inflation जो है उसका result क्या हो सकता है? Decrease in economic activity of a country. ये होता क्या है inflation? मैंने banking वाले series में पूरा explain किया अच्छे से, आप लोग देख लीजिएगा. What is the first step of buying? Need recognition. Which PSU is responsible for insurance over export? Export credit insurance. Author कौन है? God of small thing, Arundhati Roy. NPA stand for NPS. National Pension Scheme, NBFC, deal ins, providing banking service. What is the full form of MAN? Metropolitan Area Network. There are how many digits in MICR? 9. ये याद रखिएगा, MICR में total 9 digit होते हैं और IFSC में जो total digit होते हैं वो 11 होते हैं. SBI launched. एक मिनट, क्वेश्चन कहां गया? हाँ, SBI launched minor account for children above 10 year names. So, नाम क्या दिया? पहली उड़ान, जो 10 साल से ज्यादा के लिए बच्चों के लिए खोला जाएगा अकाउंट. उस अकाउंट का, उस स्कीम का जिसके अंडर ये खुलेगा, उसका नाम दिया गया है पहली उड़ान. What is recession? A period of temporary economic decline generally identified by a fall in GDP in two successive quarter. What is the accident cover amount in Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana? 1,00,000 rupees दिया जाएगा accidental cover. उसमें जो भी accidentally कुछ हो जाता है तो उसके अंदर जो amount cover किया जाएगा जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर, वो 1,00,000 rupees का अमाउंट है. फाइनेंशियल बेंचमार्क पैनल वाज हेडेड बाय विजया भास्कर. द रिजर्व बैंक हैज रिलैक्स्ड नॉर्म्स गवर्निंग इंपोर्ट्स ऑफ रफ कट एंड पॉलिश डायमंड्स बाय डबलिंग द क्रेडिट टाइम पीरियड टू 180 days. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPTP, पॉइंट टू पॉइंट ट्यूनलिंग प्रोटोकॉल? विच रेट आरबीआई डिसाइड अंडर मॉनेटरी पॉलिसी? रिपो रेट. इन रिपो रेट क्या होता है, CRR क्या होता है, MSF क्या होता है, SLR क्या होता है, मैंने सब कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर डिस्कस किया है. बहुत बच्चों की तरह समझाया, सभी को समझ में आएगा. अगर आप बैंक तैयारी करते हैं तो जरूर देख लीजिएगा. इन USSDU स्टैंड पर अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, तो जो यू है वो अनस्ट्रक्चर्ड को दर्शाता है. USSD के अंदर इन EMI, ई स्टैंड फॉर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड. गांधी स्टेडियम लोकेशन जलंधर पंजाब. मराना प्रताप डैम कहां पर है? हिमाचल प्रदेश. एशियन के 2018 कहां पर होगा? हो चुका है ये इंडोनेशिया में, याद रखिए, आप सबको पता होगा. विच डे ऑब्जर्व ऑन 3rd March वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? इस्लामिक मिलिट्री अलायंस टू फाइट टेररिज्म IMAFT हेडक्वार्टर कहां पर? रियाद, सऊदी अरेबिया. द पधार डांस इज अ फॉक डांस ऑफ विच स्टेट? गुजरात. अमन इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन. अंडर विच एक्ट RBI इशू लाइसेंस टू बैंक? सेक्शन 22 के अंदर, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. बुक टाइटल डेथ अंडर द डियोडर्स रिटन बाय रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया एक किताब. इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट? गुजरात के अंदर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, याद रखिए, गुजरात में मनाते हैं. कमिटी फॉर्म्ड फॉर मॉडर्नाइजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इज हेडेड बाई BN श्री कृष्णा कमेटी. वर्ल्ड बैंकिंग डिफाइंड इन विच एक्ट? सेक्शन 5B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बजट कितना है? 5,300 करोड़. एक बार आप इसको रिचेक कर लीजिए, 2018 में कितना कर दिया गया है. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर के बारे में पूरा एक्सप्लेन दिया हूं मैंने पहले वाले पार्ट में, उसका लिंक मैंने दे दिया वीडियो में, नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में.
वंसधा नेशनल पार्क कहां पर है? गुजरात में। अपार्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट कैन हैव बैलेंस अप टू 1 लाख इन पेमेंट बैंक? करेंट अकाउंट, व्हिच डज नॉट कम अंडर द पेमेंट बैंक? इशू क्रेडिट कार्ड। सब्सिडी ऑफर्ड ऑन इंटरेस्ट रेट इज नॉन एज इंटरेस्ट सबवेंशन। ऑनरशिप वोटिंग राइट फॉर पेमेंट बैंक कैप्ड एट 10% कैन बी एक्सटेंडेड अप टू व्हाट परसेंटेज? 26%। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल प्रेजेंट इन डिफरेंट कंट्री इज नॉन एज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बोलते हैं उसको। व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? यूरो। ये मैं आपको बता चुका हूं दो बार, ये तीसरा बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। काकरपुर एटॉमिक पावर प्लांट कहां पर है? तो गुजरात में, वो भी वायरा में। व्हाट इज द प्रीमियम ऑफ पीएमजीजी लाइफ इंश्योरेंस? रुपीज 330। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम? हनोई। व्हाट इज द थीम ऑफ नो टबाको डे ऑब्जर्व 31st में? टबाको और 38 टू डेवलपमेंट, इसका 2018 का थीम है, बात देख लीजिएगा, शायद चेंज हुआ है। ये सारे पुराने क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ ILO लोकेटेड इन विच कंट्री? जेनेवा स्विट्जरलैंड। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस? लोकेटेड इन बेंगलुरु। व्हाट इज द ऑथर कौन है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुंधति रॉय। मलिका साराभाई इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? क्लासिकल डांसर है। व्हाट इज द वेन्यू ऑफ ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2017 का ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल कहां पर है? तो चाइना। सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लीजिए 98 को। अगला क्वेश्चन है, मोहिनाट्यम इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? केरला। हु इज द विनर ऑफ द्रोणाचार्य अवार्ड 2016 इन क्रिकेट? राजकुमार शर्मा। इंश्योरेंस IRDAI हैज कंस्टिट्यूटेड अ कमेटी ऑफ 8 मेंबर टू रिव्यू लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट रेगुलेशन। द कमेटी का नाम क्या था? तो अमिताभ चौधरी, याद रखिएगा। जो 8 मेंबर का गठन किया गया लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट रेगुलेशन का रिव्यू करने के लिए IRDAI की तरफ से, उसका हेड कौन है? तो उसका हेड है अमिताभ चौधरी, ठीक है, उस कमेटी का। पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड बैरेट फ्रॉम एक्सेप्टिंग हाउ मच कैश डोनेशन बियॉन्ड रुपीज 2000? व्हाट इज VBAP स्टैंड फॉर? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। व्हिच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च अटल अमृत अभियान एज अ न्यू हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम? असम। न्याय मित्रा स्कीम लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है वो किस पद पर है, वो कहां से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, सब कुछ मैंने स्टैटिक जीके वाले सेक्शन में रख दिया है, जो आपको मिल जाएगा successkey98.in पर। इन IAEA व्हाट इज ए स्टैंड फॉर? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। व्हाट डस BBPS स्टैंड फॉर? भारत बिल पेमेंट सिस्टम। What percent of stake does the central government hold in Regional Rural Bank? 50%. Lime app launched by which of bank? Axis Bank होगा ये। Missing है K. Antonio Costa is Prime Minister of which country? Portugal. Name of the portal launched by the collect illegal money? Sachet. Tamor Pingla Wildlife Sanctuary कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। For Startup India, what is the minimum and maximum amount of loan that can be provided? Rupees 10 lakhs, 200 lakh तक का किसके अंदर for Startup India के अंदर loan दिया जाएगा? जो minimum है वो 10 लाख है और maximum जो है वो 100 लाख यानी 1 करोड़ तक है। 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? National Science Day. What does P stand for in IMPS? Immediate Payment Service. एम चन्ना स्वामी स्टेडियम कहां पर है? बेंगलुरु में है। MMID कोड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट? MMID का फुल फॉर्म क्या? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कंसिस्ट ऑफ 7 डिजिट, याद रखिएगा। IFSC कितना? 11। MICR कितना? 9। MMID कितना? 7। ये सब आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। छाबड़ थर्मल पावर प्लांट कहां पर? राजस्थान में। हेडक्वार्टर ऑफ सोनाली बैंक इज लोकेटेड इन ढाका, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, इंदिरा सागर डैम कहां पर है? नर्मदा रिवर। नमदापा नेशनल पार्क कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। हेडक्वार्टर ऑफ RBL बैंक का है? रत्नाकर बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र। 15 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड कंज्यूमर डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मनामा इज द कैपिटल ऑफ वाराइन। समर ओलंपिक 2020 कहां पर होगा?
टोक्यो में ये आ सकता है क्योंकि अभी ये हुआ नहीं है। इन CTI व्हाट डस आई स्टैंड फॉर? कंप्यूटर टेलीफोनी इंटीग्रेशन CAR रेशियो ऑफ बैंक कैपिटल टू रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर। धनबुला कोल माइनिंग प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? उड़ीसा। वेयर वॉज द फर्स्ट DG धन मेला कंडक्टेड? गुरुग्राम दिल्ली। उड़ान स्कीम इज एन इनिशिएटिव फॉर विच स्टेट? जम्मू एंड कश्मीर। फाइनेंशियल सर्विस टू एवरी हाउस होल्ड इज ए पार्ट ऑफ विच स्कीम? प्रधानमंत्री जनधन योजना। तरुण किशोरी एंड शिशु कैटेगरी आर ए पार्ट ऑफ विच स्कीम? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अच्छा, ये क्वेश्चन के अंडर आपको अमाउंट भी पूछता है, तो अमाउंट आगे वाले क्वेश्चन में कवर करूंगा, आप ध्यान से उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा जो लास्ट क्वेश्चन शायद इस पार्ट का। वेयर वॉज INS खंदेरी नेवी सिकेंड कालबेरी क्लास स्कॉर्पियो सबमरीन लॉन्च्ड? मैगजॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड इन मुंबई। SMERA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सेट अप फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। आरोग्य रक्षा स्कीम लॉन्च इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग 24/7 फैसिलिटी पॉइंट ऑफ स्केल? इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज BSE इंडिया नेक्स्ट इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? गांधीनगर गुजरात। व्हाट डज D स्टैंड फॉर इन USSD? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। देखो वहां पर इसके पहले पूछा था आपसे यू का मतलब क्या होता है, यहां पर बोला डी का मतलब। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट? 10 इयर्स। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ JP Morgan चेस बैंक लोकेटेड? न्यूयॉर्क USA। एडिडास अब्बा कैपिटल ऑफ इथोपिया। रिलायंस पेमेंट बैंक SBI AEBA। बी क्या दर्शाता है आपका? बी दर्शाता है बैंक। आधार एनेबल्ड बैंक अकाउंट फुल फॉर्म है AEBA का, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आधार से रिलेटेड। FCNR आर स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज नॉन रिपेट्रिएबल अकाउंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 चेक रिलेटेड टू सेक्शन 6B के अंडर आता है, ये भी याद रखिएगा। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। विंटर ओलंपिक 2018 कहां पर होगा? यह हो चुका है आपको मैं बता दूं, तिमलांद मर्केंटाइल बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? थूथुकुडी, क्या नाम है, थूथुकुडी, वाह। बैंकिंग एंड मर्चेंट अपॉइंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CERSAI हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फुल फॉर्म देख लीजिएगा, सेंटर रजिस्ट्री सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। पैन कार्ड कंपलसरी फॉर ऑल अकाउंट एक्सेप्ट प्रधानमंत्री जनधन योजना। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी हेडक्वार्टर कहां पर है? Washington DC, ठीक है, हेडक्वार्टर Washington DC। शेख जयाद क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? अबू धाबी यूनाइटेड अरब। वेयर इज बर्मुडा ट्रेंगल एटलांटिक ओशन? भवानी सागर डैम कहां पर है? तमिलनाडु इंडिया में। डेफिनेशन ऑफ हेगिंग और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी यूज्ड इन लिमिटिंग और ऑफसेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी करेंसी और सिक्योरिटीज। नेशनल हेरिटेज टॉम्ब, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमायू टॉम्ब भी बोलते हैं, कहां पर है? न्यू दिल्ली में, सभी को पता है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है। BSBDA मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट क्या है? तो 10,000 एक महीने में। और BSBDA का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ऑथर ऑफ वन इंडियन गर्ल्स चेतन भगत। इसके ऑथर कौन है? वन इंडियन गर्ल का चेतन भगत। हाफ गर्लफ्रेंड के भी जो ऑथर थे वो चेतन भगत ही है, याद रखिएगा। इंद्रावती नेशनल पार्क कहां पर है? दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। EFTPOS denotes electronic fund transfer at point of scale। OPEC का हेडक्वार्टर भेन्ना ऑस्ट्रेलिया। बैंक विच इज नॉट रेगुलेटेड बाई RBI स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। नसाउ इज द कैपिटल ऑफ बहामास। एंटवेरप डायमंड बैंक हेडक्वार्टर कहां पर है? एंटवेरप बेल्जियम। देना बैंक हैज बिकम द फर्स्ट लेंडर टू क्लासिफाई वीडियोकॉन इंडस्ट्री एज अ बैड लोन। कनारा HSBC ओरिएंटल बैंक कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च आई सिलेक्ट टर्म plan to expand its online product suite with mint for family and protection। What is the initial corpus that will allocated to micro? 21.47 lakhs। A sum of rupees 10 lakh crore is allocated as the credit of farmers।
नबार्ड फंड विल बी इंक्रीज टू 40,000 करोड़। 2018 वाला आप एक बार चेक कर लीजिए कितना अमाउंट इंक्रीज किया गया है बजट में, ठीक है। द गवर्नमेंट विल सेट अप मिनी लैब इन कृषि विज्ञान केंद्र फॉर सॉइल टेस्टिंग। और डेडिकेटेड माइक्रो इरिगेशन फंड विल सेट अप फॉर नबार्ड विथ रुपीज 5,000 करोड़ इनिशियल कॉर्पस। इरिगेशन कॉर्पस इंक्रीज टू 40,000 करोड़। डायरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विल बी इनिशियली क्रिएटेड विद द कॉर्पस ऑफ 2,000 करोड़ फॉर रेलवे इज रुपीज। ये सब सारा 2017-2018 का है। आप लोग क्या करिएगा, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं 2018 और 2019 का बजट एक बार आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो सारा वही आ रहा है, 5 लाख पॉट्स, ये सारा बजट यहां तक आप भूल जाओ, ये सारे बजट से हैं, ये सारे बजट से क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे बजट से, ये आप भूल जाओ। आप लास्ट क्वेश्चन देखो, जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप अच्छे से देख लो। शिशु में कवरिंग लोन दिया जाएगा 50,000 तक, और किशोर में 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक। तो ये लास्ट क्वेश्चन आप याद रखिएगा, इसके पहले 10-12 क्वेश्चन जो थे वो क्वेश्चन आपके बजट से थे, 2017-18 का। 2018-19 का बजट आप देख लीजिएगा, उसमें अमाउंट कितना कितना रखा गया है। लेकिन जितने भी क्वेश्चन करवाया हूं, जो कंस्टेंट क्वेश्चन है, जो कभी चेंज नहीं होते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास अच्छा लगा होगा, देखो इतना क्वेश्चन एक क्लास में करवाना बहुत मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकते, बहुत मेहनत किया गया है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छा लगा, अगर लगा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल फायदेमंद है तो, ठीक है।